हजरत सलमान अजहरी साहब का वो वीडियो देखा आपने, जिनमें वो बता रहे हैं कि कुरान की एक आयत है कि ए मोमिनो खुशी बनाओ रहमत आई है। और एक चीज ये भी हो जाती है कि जिस दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सरकारे मदीना जब तशरीफ लाए इस दुनिया में, तब शैतान रो रहा था। तो बात तो यही आ जाती है कि तुम वहाबी और अहले हदीस रोते बैठो और हम खुशी बनाए। शैतान रो रहा था जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, वो लाइए कुरान में लिखा आपने कहा ना, लाइए। और चलो रो भी रहा था, चलो मान लेते हैं रो रहा था, तो रो रहा था तो फिर उस वक्त यानी उस वक्त तो पैदा हुए थे, कौन उस वक्त मिलाद मनाया था? शैतान रो रहा था क्या, दूसरों से मिलाद मना रहे थे? फिर अल्लाह के रसूल सहाबा इकराम क्यों नहीं मना रहे थे? जब मबूस किए गए, रसूल बनाए गए, क्या सहाबे किराम को तालीम दी कि मेरी मिलाद पे विलादत पे आप जो है जश्न मनाओ? अरे भाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को यानी तारीख विलादत ही महफूज नहीं है, दुनिया भर के इख्तलाफात आप जाके किताबों में पढ़ो। अभी जैद भाई ने बताया भी था शुरू में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तारीख को पैदा हुए ये महफूज ही नहीं है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अगर विलादत मनाते या तारीख पैदाइश को इतनी अहमियत दी जाती तो फिर ये चीज इख्तलाफ होता ही नहीं है, इख्तलाफ होता ही नहीं। अब देखिए, इस्लामी तारीख में एक मौका ऐसा आता है, सही बुखारी की रवायत है ना, एक मौका ऐसा आता है कि सहाबे कराम सोचते हैं कि यार हमें कोई पूरी तारीख में कोई यादगार चीज हमें देखना चाहिए कि कौन सी चीज है इसको बार बार याद रखा जाए। वो मौका होता है जब उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ये फैसला लेते हैं कि हम अपना निजी कैलेंडर बनाएंगे, इस्लामिक कैलेंडर बनाएंगे खुद का। तो इस्लामिक कैलेंडर डिजाइन हो जाता है, मसला रहता है उसका टाइटल देने का, उसका क्या टाइटल दे। जैसे आज जो ईसाइयों का कैलेंडर है उसका टाइटल ईसवी है। आप कहते हैं जो 2023 2023 ईसवी चल रहा है, तो ईसा अलैहि सलाम की मिलाद से या उनकी जात से उन्होंने उसको टाइटल दिया, नाम दिया। तो जो इस्लामिक कैलेंडर है उसको टाइटल देने की बात आई, तो वहां पे आप सल्लम की पैदाइश, आपकी विलादत वगैरह को नाम नहीं दिया गया, हिजरत को नाम दिया गया। कहा इस्लामी तारीख में सबसे बड़ी चीज जिसको याद करने वाली चीज है वो हिजरत है। तो हमारे कैलेंडर का नाम हिजरी है। कैलेंडर जो बार बार याद आता है, हमारी आंखों में होता है, हमारी नजर के सामने होता है, हम उसको लिखते हैं, तारीख लिखते हैं वगैरह वगैरह, इतनी अहम चीज में अगर टाइटल दिया गया तो मिलाद नहीं टाइटल दिया गया, हिजरत को टाइटल दिया गया। तो आप सन की योम पैदाइश को सहाबे कराम ने इस माने में नहीं लिया कि उस दिन हम जो है ईद मनाएंगे, मिलाद मनाएंगे। सहाबे कराम ने मनाया होता तो कोई मसला नहीं था, हम भी मनाते। लेकिन जब सहाबे कराम ने नहीं किया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं करवाया है, ताबीन ने नहीं किया है, तो हम क्यों करें भाई? हमको नहीं करना चाहिए। रसूल अल्लाह के जमाने में जेर और जबर वाला कुरान भी नहीं था, आप क्यों पढ़ते? थोड़ी देर पहले बताया गया, थोड़ी थोड़ी देर देर पहले पहले जवाब बताया दिया, तो और इस आप पर सुन मेरे नहीं रहे पूरी शायद, इस पर थोड़ा सा रिपीट कर दें, आप थोड़ा सा रिपीट कर दें भाई हाँ इस के पर मेरी लिए। पूरी वीडियो है, बिदात के नाम पे मेरी एक पूरा पूरा लेक्चर है। कहीं हमारा आईसी का प्रोग्राम हुआ था आउटडोर, तो मैंने पूरा लेक्चर दिया था इस पे बिदात पे। तो जेर जबर को बहुत डिटेल में मैंने बयान किया है। खुलासा उसका ये है ना मेरे भाई कि जेर जबर आपको लगता है कि नया है या नया नहीं है, ये बाद में लिखा गया है, लेकिन कोई चीज बाद में लिखने से नई नहीं हो जाती है। जेर का मतलब क्या होता है? आवाज नीचे करके पढ़ना। जबर का मतलब आवाज को ऊंचा करके पढ़ना। जैसे हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दु हा पे जबर हमने पढ़ा, दाल पे पेश पढ़ा, आगे जो लाम उसको जेर पढ़ा। तो नबी के जमाने में जब पढ़ा जाता था तो ऐसे पढ़ा जाता था ना भाई, आवाज को ऊंचा नीचे गोल करके ऐसे पढ़ा जाता था। तो इसी का नाम हमने दिया है जबर जेर। तो क्या नबी के जमाने में ये चीज नहीं थी? लिखा गया है बाद में, और कोई चीज बाद में लिखने से नई नहीं हो जाती है। जो हमारी स्ट्रीम है ना, ये आज चल रही है, कोई लिख नहीं रहा इसको। ये 100 साल के बाद अगर कोई इसको लिख दे, हमारी बात, जैद भाई की बात, हाशिम भाई की बात, सबकी बात कोई लिख दे, तो ये नहीं कह सकते आपकी 100 साल के बाद स्ट्रीम हुई है। ये पहले भी लिखा गया बाद में। तो जेर जबर लिखा गया बाद में, आप लिखने का सबूत मांगो, मैं देता हूँ लिखने का सबूत। लेकिन आप ये कहो कि जेर जबर बाद में आया, ये गलत बात। जेर जबर पहले था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, आप क्या मानते हैं कि हरूफ भी बाद में हुआ है? जिब्रे इस्लाम जो कुरान लाए थे वो हरूफ लिख के तो नहीं लाए थे? जिब्रे इस्लाम जो अल्लाह ताला से जो कुरान रिसीव किया उसमें हुरूफ भी नहीं थे, ना जबर जेल लिखा हुआ था ना हुरूफ लिखा हुआ था। फिर जिब्रे इस्लाम ने जो कुरान नबी को दिया वो कुरान भी लिखा हुआ नहीं था, ना जबर जेल ना हुरूफ। फिर नबी ने जो कुरान सहाबे कराम को दिया वो भी लिखा हुआ नहीं था, ना जबर ना हुरूफ। हुरूफ सबसे पहले कौन लिख रहा? सहाबा। तो क्या सहाबे कुरान बना रहे? आप बताइए, क्या सहाबे कराम ने कुरान बनाया? मुझे ये बता दिया, कुरान अल्लाह की तरफ से आया या सहाबे कराम ने बनाया? अल्लाह ने कुरान लिख के नहीं दिया, जिब्रील ने कुरान जी लिख के नहीं भाई, दिया, हमारे नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि भाई वसल्लम ने कुरान बताएं लिख आप। दिया। मुझे ये बताओ कि ये कुरान सहाबे कराम ने बनाया है या अल्लाह की तरफ से आया? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आप बताइए, खुदा के बोल, कुरान अल्लाह की तरफ से आया है या सहाबे कराम ने बनाया है?
खुदा की भेजी हुई किताब है, खुदा की भेजी, लेकिन खुदा ने तो लिख के नहीं भेजा था, लिखा सहाबे किराम ने। तो क्या सहाबे किराम के लिखने से ये कह सकते हैं कि वो सहाबा ने बनाया? नहीं, अगर हुरूफ लिखने से अल्लाह ही का रहता है, सहाबा का बनाया हुआ नहीं होता, तो अल्लाह के बंदे अगर जबर जेल लिख दिया किसी ने तो उसका कैसे हो जाएगा? हाँ, तो ना हुरूफ लिखने से लिखने वाले का हो जाता है कि सहाबा ने हुरूफ लिखा तो सहाबा ने कुरान बनाया। तो जब हुरूफ जो जो असल साउंड है, असल आवाज है हुरूफ, जो असल मीनिंग जिससे हम लेते हैं, वो बाद में लिखा गया है, फिर भी हम नहीं मानते कि इन लोगों ने कुरान बनाया, अल्लाह की तरफ से आया है। तो अल्लाह की तरफ से ऐसे तिलावत होकर आया है, तिलावत होके जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तिलावत करके नबी को बताया, पढ़ के बताया है, रमजान में दौरा कराते थे और नबी ने जो सहाबा को बताया वो पढ़ के बताया, जब पढ़ा तो हुरूफ भी निकले, जबर जेर भी निकला। अब ये कह सकते हैं पहले हुरूफ लिखा गया बाद में जबर जेर लिखा गया। जी